लास्ट क्लास में हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स कंप्लीट किए थे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें भी लिखा हुआ है कि एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो, लेकिन आपको क्वेश्चन नंबर 5 में बोला हुआ है कि एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने हैं बाय डेफिनेशन। अब इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में आपने जस्ट एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाले थे, फॉर्मूला भी आप यूज करते थे या जो टेक्निक मैंने बताई थी आप वो काम भी किया करते थे। अब बाय डेफिनेशन का मतलब क्या होगा, बाय डेफिनेशन का मतलब ये कि एडिटिव इनवर्स के बारे में आपने क्या पढ़ा था कि एडिटिव इनवर्स किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है कि जब आप उसको ऐड करो रिजल्ट किसके बराबर आए, जीरो के बराबर आए। तो हम क्या करेंगे, एडिटिव इनवर्स बजाय हमने पहले कैसे मालूम किया था, जस्ट जो कॉम्प्लेक्स नंबर था उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया था, इस तरीके से हमने एडिटिव इनवर्स निकाला था। अब हम क्या करेंगे, हम डेफिनेशन को फॉलो करेंगे, हम कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों को ऐड करेंगे आपस में फिर उसको इक्वेट करवाएंगे जीरो के, क्योंकि एडिटिव इनवर्स जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ऐड होता है तो 0,0 आता है ना, तो हम उसको इक्वेट करवाएंगे और फिर उस कॉम्प्लेक्स नंबर को मालूम करेंगे। जब मैं करूंगा तो आप लोगों को बेहतर आइडिया हो जाएगा। इसी तरह अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करूं तो मैंने बताया था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है कि जब आप उस कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करो, मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट में आपके पास आएगा 1,0, आइडेंटिटी आएगी। तो अब आप क्या करोगे, आप कॉम्प्लेक्स नंबर और उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और इसके थ्रू आप इनवर्स निकालोगे। अभी प्रोसेस होगा कैसे वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले एडिटिव इनवर्स की बात करते हैं फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करेंगे। तो लेट कर लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक और चीज लेट करते हैं कि लेट माइनस जेड बी आ, इसको मैं लेट भी कर लेता हूँ, कोऑर्डिनेट क्या है या इसको मैं जेड वन बोल देता हूँ ज्यादा बेहतर है, एक्स प्लस वाई आयोटा एडिटिव इनवर्स। हम लेट कर लेते हैं ये जो जेड वन है एडिटिव इनवर्स है कि Z1 जो है ये एडिटिव इनवर्स है Z का, जो आपको मालूम करना है जो ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका आपको एडिटिव इनवर्स मालूम करना है ना। तो मैंने लेट कर लिया X प्लस Y आयोटा जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा ये एडिटिव इनवर्स है इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब आपको वो निकालना है, बाय डेफिनेशन हमें ये बात पता है, क्या बात पता है हमें कि जब हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके एडिटिव इनवर्स में एड करेंगे तो रिजल्ट मेरे पास क्या आएगा, 0,0। ये एक्स प्लस वाई आयोटा को मैंने ये ऑर्डर्ड पेयरवाइज नोटेशन में कन्वर्ट कर दिए। क्या मैंने बात लिखी कि जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर को आप उसके एडिटिव इनवर्स में ऐड करोगे तो रिजल्ट में आपको क्या मिलेगा, 0,0। ये डेफिनेशन होती है एडिटिव इनवर्स की। तो जरा इस डेफिनेशन पे अमल करते हैं, इन दोनों को ऐड करो, ये हो जाएगा माइनस फोर प्लस एक्स, ये हो जाएगा फाइव प्लस वाई इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू जीरो। अब मैंने आप लोगों को बताया था जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हैं इसका मतलब उनके रियल पार्ट इक्वल हैं और उनके इमेजिनरी पार्ट इक्वल हैं। तो हम इक्वेट करवाते हैं माइनस फोर प्लस एक्स को जीरो के बराबर और फाइव प्लस वाई को, यहां से एक्स की वैल्यू आएगी बच्चों फोर और यहां से एक्स की वैल्यू आएगी माइनस फाइव। हेंस आपके पास जेड वन जो था जिसको हमने एडिटिव इनवर्स लेट किया था वो क्या था, एक्स प्लस वाई आयोटा, एक्स यहाँ पे फोर है वाई यहाँ पे माइनस फाइव है, ये आपके पास एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। इस तरह लिखो या इसको ब्रैकेट के फॉर्म में लिखो, बात एक ही है, ये चीज जो है ये कहलाएगी एडिटिव इनवर्स। तो ये काम आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो ये फोर हो जाएगा माइनस फाइव आ जाएगा, डायरेक्ट भी आप एडिटिव इनवर्स निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपको बोला जाए कि बाय डेफिनेशन, डेफिनेशन के थ्रू अगर आपने एडिटिव इनवर्स निकालना तो फिर ये प्रोसेस होगा, इस प्रोसेस के तहत आप एडिटिव इनवर्स फाइंड करोगे। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का अब आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो आप कंसीडर कर लो। अब देखो पेपर में सवाल या तो एडिटिव इनवर्स का आएगा या मल्टीप्लिकेटिव का आ जाएगा, या अगर दोनों का आ जाए कोई इशू नहीं है, आपने लेट ही करना है ना, डिफरेंट वर्डिंग में लेट कर लो। तो मेरे फर्ज अगर दोनों आपके पास आ जाए कि आपको एडिटिव भी निकालना है मल्टीप्लिकेटिव भी निकालना है, तो अब आप लेट कर लो कि लेट जेड टू इज इक्वल टू सी प्लस डी आयोटा, कुछ भी नाम रख लेते हैं, सी प्लस डी आयोटा या ए प्लस बी आयोटा कर लो सिंपल, कि लेट जेड टू इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा बी आ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड। कि मैंने लेट कर लिया कि जेड टू जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कि मुझे मालूम करना है। अब बाय डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या थी, कोई अगर किसी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, फॉर एग्जाम्पल ये जो जेड है
माइनस फोर कॉमा फाइव, इसका अगर जेड टू मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है, ब्रैकेट की फॉर्म में लिख देता हूं, तो रिजल्ट में मेरे पास क्या आएगा, 1,0। आपने ये डेफिनेशन पढ़ी थी कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट में आपको आइडेंटिटी मिलेगी, और आइडेंटिटी क्या होती है, 1,0। ये मैंने आप लोगों को इनवर्स मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स के टॉपिक में डिटेल में क्लियर की बात। अब आप क्या करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आपस में। मल्टीप्लाई करने का तरीका आपको पता है, या तो फॉर्मूला आप यूज कर लो या इनको दूसरी फॉर्म में कर लो, अभी तो ब्रैकेट की फॉर्म में ना, दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई कर दो, आपकी मर्जी है। मैं फॉर्मूला का यूज कर लेता हूँ। फॉर्मूला क्या आता है, ए सी माइनस फोर को ए से मल्टीप्लाई करो, ए सी माइनस बी डी फाइव को बी से, ये ए है ये बी है ये सी है ये डी है, जो मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ ना उसमें ये सब सिंबल थे। तो ए सी माइनस बी डी, तो बी डी क्या होगा, फाइव को बी से करो, फिर फॉर्मूला क्या था, बी सी प्लस ए डी, बी सी क्या है, फाइव को ए से मल्टीप्लाई करो फाइव ए, प्लस ए डी क्या है, माइनस फोर को बी से करो माइनस फोर बी, ये आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगेन दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिखते हुए लग रहे हैं कि इक्वल हैं, इसका मतलब आपको इक्वेट करवाना पड़ेगा, माइनस फोर ए माइनस फाइव बी ये बराबर होगा वन के, और फाइव ए माइनस फोर बी ये बराबर हो जाएगा जीरो के। इसको इक्वेशन वन कह दो, इसके इक्वेशन नंबर टू कह दो। अब आपने इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और इसमें से ए और बी की वैल्यू निकालनी है। जैसे ही ए और बी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स आ जाएगा। अब जरा देखो यहाँ पे अगर आप डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं जो आप यूज करते हो, मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इक्वेशन नंबर टू में से ए की वैल्यू निकाल लेता हूँ और वो पुट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर वन के अंदर। तो फॉर एग्जाम्पल इक्वेशन नंबर टू को मैं थोड़ा रिसॉल्व करता हूँ, 5a बराबर हो जाएगा 4b के, ये बराबर हो जाएगा 4b अपॉन 5, इसको मैं 3 बोल देता हूं, बाद में काम आएगी ये। जो ये a की वैल्यू मैंने निकाली है ना, इसको आप लोग पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर आप a की वैल्यू पुट करो, a की जगह पे क्या आ गया, 4b अपॉन 5 माइनस 5b इज इक्वल टू 1 अपनी जगह पे। अब जरा सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा माइनस 16 बी अपॉन 5 माइनस 5 बी इज इक्वल टू 1। अच्छा जी, अब इनको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है बच्चों, कोई मुझे स्टूडेंट बता सकता है आप लोगों में से, कि अगर आपके पास ये सिचुएशन आए फॉर एग्जांपल, तो आप इसको किस तरह सॉल्व करते हो? सर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे देन माइनस 1 जो आंसर आएगा अपॉन 2। ये सिंपल जवाब था कि आपने क्या करना है, 2 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, ठीक है, माइनस करना है 1, ये जवाब था सिंपल, बिल्कुल सही बताया। क्या करते हो आप, 2 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से, दरमियान में माइनस, यहाँ पे 1, और ओवरऑल क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय 2, जिसको स्टूडेंट कहते हैं कि एलसीएम लिया है। हालांकि एलसीएम जो प्रॉपर है ना वो इसको कहेंगे, 2 एलसीएम कहलाया जाएगा, लेकिन बच्चे समझते हैं इस पूरे प्रोसेस को हम एलसीएम कहते हैं, पूरा प्रोसेस एलसीएम नहीं है, एलसीएम तो बस नीचे वाली चीज होती है, बाकी सिंप्लीफिकेशन करना आपको आनी चाहिए। अगर इस टाइप की दोनों फ्रैक्शन हो ना तो फिर तो वही आप डिनोमिनेटर में एलसीएम लोगे और फिर सॉल्व करते हो, लेकिन अगर एक फ्रैक्शन और एक नंबर लिखा हुआ है ना, इस तरह के फ्रैक्शन नहीं है, उसको तो सॉल्व करने का सिंपल तरीका है कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, दरमियान में माइनस, यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। इसी तरीके से बिलफर्ज अगर आपके पास ये याद है तो अब आपने क्या करना है, वही काम करना है, 2 को मल्टीप्लाई करो 3 से माइनस 1, तो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। अगर आपको ये बेसिक मैथ आती है ना तो फिर आपके लिए ये मसला नहीं होगा। मसला स्टार्ट होता है कि बच्चों को ये चीज करनी नहीं आती, ये करना वो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपने अब इस चीज को सॉल्व करना है तो एग्जैक्ट ये वाली अप्रोच लगाओ जो मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताई है, कि 5 को मल्टीप्लाई करवाओ माइनस 5, सिंपल 5 को मल्टीप्लाई करवाओ 5b से, ये क्या हो जाएगा 25b, दरमियान में क्या है माइनस, उसके बाद क्या लिखा हुआ है माइनस 16b, और डिवीजन में क्या आ जाएगा 5। तो बिल्कुल इसी के मेथड से आपने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है। ये बातें बाद में बहुत बेसिक सी लगती हैं तो इसलिए कोई बताएगा नहीं आप लोगों को, अभी से अपनी मैथ क्लियर कर लो। और लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड पे 1 है, सॉल्व करो माइनस 16 और माइनस 25, ये हो जाएगा माइनस 41b, और इस 5 को जाके 1 से मल्टीप्लाई करवा दो, सॉल्व करो, b की वैल्यू आ रही है माइनस 5 अपॉन 41, b आपके पास आ गया। वंस आपके पास b आ जाए, अब आपको क्या निकालना है a, तो आप इक्वेशन नंबर 3 में a की वैल्यू पुट कर, b की वैल्यू पुट कर दो। तो इक्वेशन नंबर 3 क्या है, 4
बी, बी की जगह पुट कर दो माइनस फाइव अपॉन 41 डिवाइडेड बाय 5, ये है, ये वाला 5 और ये वाला 5 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ए की वैल्यू क्या आएगी माइनस फोर अपॉन 41, ये ए की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो अब आपको निकालना था मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स आपने क्या लेट किया था Z2, कोऑर्डिनेट्स क्या आए हैं, ए आया है माइनस फोर अपॉन 41 प्लस बी क्या आया है माइनस फाइव अपॉन 41 और आगे आप आयोटा लगा दोगे। तो ये वो चीज, अगर आप इसको ब्रैकेट के फॉर्म में लिखना चाह रहे हो तो लिखोगे माइनस फोर अपॉन 41 माइनस फाइव अपॉन 41। तो अगर आप चाहो तो इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, जो आपने फॉर्मुले पढ़े हुए उन फॉर्मुलों से भी आप वेरीफाई कर सकते हो कि आपका आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन था माइनस फोर कॉमा फाइव, उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या है ये। तो ये जो आपने मल्टीप्लीकेटिव और एडिटिव इनवर्स निकाले हैं, ये आप बाय डेफिनेशन जो मेथड आपने यूज किया ना वो बाय डेफिनेशन कहलाता है कि डेफिनेशन को इस्तेमाल करके आपने निकाले हैं। और जो पहले आप पढ़ते थे वो हम एंड पे जो फॉर्मूले आए थे वो डेफिनेशन के जरिए से ही आए थे, लेकिन यूज आप डायरेक्ट फॉर्मूले करते थे, वो पूरा प्रोसेस आप यूज नहीं किया करते थे। इन सवालों में हमने पूरा प्रोसेस यूज किया है, फॉर्मूले हमने यूज नहीं किए मल्टीप्लीकेटिव और एडिटिव इनवर्स के। क्वेश्चन नंबर सिक्स में अगर आप देखो तो लिखा हुआ वेरीफाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, आपको Z दिया गया है, Z1 दिया गया है और Z2 दिया है, तीन कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिए हैं और नीचे बोला हुआ है कि आप प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करो। तो बच्चों बहुत ही इजी सवाल है, आपने बस वैल्यूज पुट करनी है, सेटिस्फाई करना है, आप हर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई ऐसे कर सकते हो। तो मैं कुछ करवा देता हूं ताकि आपको मेन आइडिया हो जाए। जैसे क्वेश्चन नंबर सिक्स का पार्ट वन है, इसमें लिखा हुआ है, ये मैंने आप लोगों को जब प्रॉपर्टीज बताई थी तो उस वक्त भी वेरीफाई करवाई थी कि Z माइनस Z, Z कॉन्जुगेट और माइनस Z कॉन्जुगेट, इन चारों का मॉडुलस जो है वो इक्वल होता है। तो कैसे आप लोग परफॉर्म करोगे, सबसे पहले आपको सवाल में Z गिवन है तो आप कह देना कि भाई ये Z है, उसके बाद आप चार तीन चीजें और निकालना, सबसे पहले माइनस Z निकालना, फिर आप Z कॉन्जुगेट निकालना, फिर आप माइनस Z कॉन्जुगेट निकालना। जब ये तीन चीजें आ जाए तो फिर आपको चार मॉडुलस निकालने होंगे, Z का मॉडुलस, माइनस Z का मॉडुलस, Z कॉन्जुगेट का मॉडुलस और माइनस Z कॉन्जुगेट का मॉडुलस। आप वो चारों मॉडुलस निकालोगे, आप खुद ऑब्जर्व करोगे वो आपस में इक्वल है, तो आप एंड पे लिख देना कि हेंस ये चारों चीजें जो है ये आपस में इक्वल है, प्रॉपर्टी आपकी प्रूफ हो जाएगी, ठीक है। तो बहुत इजी प्रॉपर्टी है, ट्राई कर लेना इसको। पार्ट नंबर टू में जो प्रॉपर्टी लिखी हुई है वो भी मैंने उस वक्त करवाई थी आप लोगों को कि कॉम्प्लेक्स नंबर जेड उन्होंने गिवन किया हुआ है, आपको क्या निकालना होगा, सबसे पहले उस जेड का कॉन्जुगेट निकालना, जब जेड कॉन्जुगेट आ जाए तो उस जेड कॉन्जुगेट का दोबारा कॉन्जुगेट निकालना, जब वो आ जाएगा तो आप खुद ये ऑब्जर्व करोगे कि Z डबल कॉन्जुगेट बराबर होगा Z के, तो नीचे लिख देना कि Z जो है वो बराबर है Z डबल कॉन्जुगेट के, डबल कॉन्जुगेट मतलब दो दफा कॉन्जुगेट। पार्ट नंबर थ्री में लिखा हुआ है Z मल्टीप्लाई Z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू मॉड Z का स्क्वायर, कहने का मतलब अगर आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर को जब उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्ट में उस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का स्क्वायर आता है। इसको प्रूफ करना भी कोई बड़ी बात नहीं है, Z गिवन है आपको, आप निकालना Z कॉन्जुगेट। ये मैं पूरे स्टेप्स बता रहा हूं ताकि आप लोगों को होमवर्क तो मिल रहा है लेकिन प्रॉपर समझ आए कि किस किस स्टेप से हमने पूरे सवाल को सॉल्व करना है, तो अपने पास नोट करते जाना है इसको कि Z आपके पास सवाल में गिवन है, आप सबसे पहले क्या निकालना, Z कॉन्जुगेट निकालना, Z कॉन्जुगेट जब आपके पास आ जाए तो आप मॉडुलस Z निकालना, जब मॉडुलस Z आ जाए तो जस्ट स्क्वायरिंग करना उसकी और मॉडुलस Z का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। जब ये कर लो उसके बाद प्रॉपर्टी प्रूफ करना, कैसे, आप लिखना के Z इक्वल टू Z कॉन्जुगेट इक्वल टू मॉडुलस। मैं एक चीज आप लोगों को बता दूं, फॉर एग्जांपल एक ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आप लोगों को बतानी थी लेकिन यहीं पे सीख लो, ये चीज आपको प्रूफ करनी है ना। अब प्रूफ करने के देखो डिफरेंट तरीके होते हैं, कोई एक तरीका नहीं है प्रूफ करने के, दो तीन तरीके से आप कर सकते हो। एक तो प्रूफ ये होता है कि आपने सवाल में सबसे पहले Z कॉन्जुगेट निकाल लिया, ठीक है, फिर आपने मॉडुलस निकाल लिया, ये दो चीजें आपने निकाल ली ना, आप इसमें पुट कर दो, यहाँ पे आपने Z पुट कर दिया, यहाँ पे Z कॉन्जुगेट और यहाँ पे मॉडुलस का आपने स्क्वायर करना, मतलब आप दोनों साइड को एक साथ लेके चलो, यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे जो भी मॉडुलस आया उसका स्क्वायर करो, मजीद सिंप्लीफाई तो नहीं होगा, स्क्वायर करोगे तो ये राइट हैंड साइड तो आपकी हो जाएगी, तो आप लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते जाओ जब तक आप देखोगे दोनों आपस में इक्वल आ जाएंगे, या आप ऑब्जर्व कर लोगे। एक तरीका ये होता है प्रूफ करने का। दूसरा तरीका ये होता है कि आप लेफ्ट हैंड साइड को अलग पिक करते हो, फॉर एग्जाम्पल Z Z कॉन्जुगेट, आपने दोनों का अलग पिक किया, इसको जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो आपने सिंप्लीफाई कर दिया, फिर आपने क्या किया, आपने राइट हैंड साइड को अलग पिक किया, फॉर एग्जाम्पल मॉडल Z का स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करते रहे जहां तक सिंप्लीफाई हो सकता है कर दिया, और यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे ये वाली चीज
कह देना और ये वाली चीज, ये दोनों आपस में इक्वल आ रही होंगे। तो जैसे इक्वल आ जाएंगी आप नीचे लिख देना कि भाई लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये प्रूफ करने का समझ लो दूसरा तरीका होता है। इस मेथड से भी आप प्रूफ कर सकते हो। कुछ सवाल ऐसे होते हैं वो उनपे कुछ मेथड काफी सूट कर रहे होते हैं, खासतौर पर ट्रिग्नोमेट्री में आप देखोगे वहां पे कुछ खास किस्म के लेफ्ट हैंड साइड वाले प्रूफ कर रहे होते हैं। अच्छा, तीसरी किस्म का भी होता है। तीसरी किस्म का ये होता है कि आप कोशिश ये करते हो कि आप एक ही साइड पिक करते हो। अब ये ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग सीखोगे कि हम लेफ्ट हैंड साइड या कोई राइट हैंड साइड पिक कर लेते हैं, वो पिक करने के बाद उसको इतना सिंप्लीफाई करते हैं कि वो राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे पिक कर लो जेड और जेड कॉन्जुगेट, और सवाल में ऊपर आपने ऑलरेडी मॉडुलस निकाला हुआ, आप इसको सिंप्लीफाई करते जाओ करते जाओ करते जाओ। फॉर एग्जाम्पल ये सवाल में थोड़ा जल्दी मैं करवा देता हूँ आप लोगों को ये डेमोन्स्ट्रेट करवाने के लिए। ये जेड है 4 - 3 iota, तो आपने क्या करना है, जेड है 4 - 3 iota और उसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 4 + 3 iota। तो इसको सॉल्व करोगे 12 iota -12 iota और -9 iota² ये तो कैंसिल हो जाएंगे, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, -1 पॉजिटिव, ये आंसर आपके पास 25 आ जाएगा। और सवाल में आपने ऑलरेडी जेड कॉन्जुगेट एक तो निकाला हुआ होगा, जेड कॉन्जुगेट निकाल लेना और साथ साथ मॉडुलस निकाल लेना, मतलब 4 - -3 स्क्वायर। तो आपने ऑलरेडी मॉडुलस निकाला होगा, 5 के बराबर आ रहा होगा। तो मैं प्रूफ करवाने का तीसरा तरीका आपको बता रहा हूँ कि आपने जस्ट लेफ्ट हैंड साइड पिक की, लेफ्ट हैंड साइड को आपने देखा 25 आ रही है, ठीक है, राइट हैंड साइड को आपने पिक नहीं किया। उसके बाद आप क्या करो, 25 को इस तरह लिख दो 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर लिखा, आपको पता है 5 किसके बराबर है, 5 मॉडुलस के बराबर है, आपने ये चीज लिख दी और आपको राइट हैंड साइड मिल गई। मतलब आपने पिक एक ही साइड की, उसको इतना सिंप्लीफाई किया कि आपने राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ कर दिया उसको। अब इस सवाल में तो आपको तीनों तरीके तकरीबन एक जैसे लग रहे होंगे, लेकिन कोई मुश्किल सवाल होते हैं जैसे मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक प्रूफ आपको करवाया है, आइडेंटिटीज को आप प्रूफ कर रहे होते हो, तो वहां पे हर तरीका अलग अलग होता है। जो इजी वाला तरीका होता है वो आप यूज कर रहे होते हो, लेकिन प्रूफ आप नॉर्मली इन 2-3 तरीकों से कर रहे होते हो। डिफरेंट टेक्निक्स मैंने आप लोगों को बता दी है। तो अब दोबारा आज सवाल के ऊपर, आपको ये प्रूफ करना था तो आपकी मर्जी है। ज्यादातर ये वाला तरीका लोग प्रेफर करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड को आपने सिंप्लीफाई किया, राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया और आपने प्रूफ कर दिया। लेकिन ये तरीका जो है अब हर सवाल में आप नहीं कर सकते। जैसे पार्ट नंबर 1 था, उसमें तो 4 इक्वल के साइन है, तो उसमें सिंपल क्या तरीका है कि आप हर चीज को अलग अलग निकालो और बाद में लिख दो कि सारी चीजें आपस में इक्वल है। तो हर सवाल में आपको देखना है कि किस सवाल में मैं किस तरीके से परफॉर्म करूं। पार्ट नंबर 2 में आपको कोई लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड बनाने की भी जरूरत नहीं थी, आपको जस्ट जेड कॉन्जुगेट निकालना है, फिर उसका डबल कॉन्जुगेट निकालना और बता देना ये आपस में इक्वल है। तो कितने इजी सवाल होते हैं कि जिसमें आपको लेफ्ट राइट साइड का अलग करने की जरूरत ही नहीं, आप डायरेक्ट आसानी से प्रूफ कर सकते हो। जैसे पार्ट नंबर 2 में आप क्या करोगे, सबसे पहले जेड कॉन्जुगेट निकालोगे, फिर आप जेड डबल कॉन्जुगेट निकालोगे। जब ये आ जाएगा ना, तो खुद ही आपको नजर आ जाएगा कि जेड डबल कॉन्जुगेट और सवाल में जो जेड है ये आपस में बराबर है, तो खुद ही आपका सवाल प्रूफ हो जाएगा, कोई लेफ्ट राइट का चक्कर ही नहीं होगा सवाल के अंदर। अच्छा, पार्ट नंबर 4 जो है, और पार्ट नंबर 5 है और पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 6 मैं करवा देता हूँ, वो थोड़ा मुश्किल लगेगा आप लोगों को, डिवीजन हो रही है उसके अंदर, बाकी मैं आपको जरा बता देता हूँ। जैसे पार्ट 4 में ये चीज लिखी हुई है, अगेन ये मैंने प्रूव आप लोगों को करवाए हुए जब ये चीजें मैंने करवाई थी, ये चीज लिखा हुआ है, ये शायद उस वक्त मैंने प्रूव ना करवाया हो। लेफ्ट हैंड साइड आप इसमें आप बेहतर है लेफ्ट हैंड साइड पिक कर लेना। अब अगेन इसमें आसानी है तो मैं इस तरह करवा रहा हूँ, ये लेफ्ट हैंड साइड है। करना क्या है इसके अंदर, ये कहना ये चाह रहा है आपको कि Z1 और Z2 को आप ऐड करो, ऐड हो जाए उसके बाद आपने क्या लेना है, कॉन्जुगेट लेना है। तो आप क्या करना, Z1 और Z2 को ऐड करना। Z1 यहाँ पे क्या है, 3 - 2 iota और Z2 है 2 + 3 iota। मैं होमवर्क देना चाह रहा हूँ लेकिन ऐसा भी नहीं चाह रहा कि आप लोगों को मसला हो, तो इसलिए जल्दी जल्दी देख लो इसको। इस पूरी चीज का आपने कॉन्जुगेट लेना है लेकिन पहले आपको ऐड करना है इनको, तो जरा ऐड करते हैं। 3 को 2 में ऐड करो, ये हो जाएगा 5 - 2 iota + 3 iota, ये हो जाएगा iota। अब आप इसका कॉन्जुगेट ले लो, 5 + iota कॉन्जुगेट क्या होगा, 5 - iota, तो ये आपकी होगी लेफ्ट हैंड साइड। इसको आपने किसके बराबर प्रूफ करना है, राइट हैंड साइड के बराबर। तो अब आप पिक करना राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या कह रही है, Z1 का आपने अलग कॉन्जुगेट लेना है, तो Z1 क्या था, 3 - 2 iota, इसका आपने अलग कॉन्जुगेट लेना है, प्लस Z2 का आपने अलग लेना है, Z2 क्या है, 2 + 3 iota। तो राइट हैंड साइड आपको ये कह रही है कि पहले आप दोनों का अलग अलग कॉन्जुगेट लो और फिर ऐड करना, जबकि लेफ्ट हैंड साइड में पहले आपने ऐड किया था, जो रिजल्ट आया था उसका कॉन्जुगेट लिया था, दोनों अलग अलग बातें। तो इसका कॉन्जुगेट लेना 3 + 2 iota, इसका कॉन्जुगेट लेना 2 - 3 iota।
अब सॉल्व करो 3 + 2 = 5, 2i - 3i - i, तो अब ऑब्जर्व करो लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड आपस में बराबर है, तो आप नीचे लिख दोगे। इसी तरह पार्ट नंबर 5 में लेफ्ट हैंड साइड में आप क्या करोगे, पहले z1 और z2 को मल्टीप्लाई करोगे, जस्ट यही सवाल है, बस यहाँ पे मल्टीप्लाई डाल दो, पहले आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद इस टाइप का कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, फिर आप उसका कॉन्जुगेट लेना, और राइट हैंड साइड में क्या करना है, पहले अलग अलग कॉन्जुगेट लेना और बाद में उनको मल्टीप्लाई कर देना, तो आप खुद ऑब्जर्व करोगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर है। और यही काम आपको पार्ट नंबर 6 में भी करना है। पार्ट नंबर 6 में थोड़ा फेयर करवा देता हूँ, चलो देख लो किस तरह से होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 6 प्रूफ क्या करना है कि z1 को अगर आप z2 से डिवाइड करो और फिर उनका कॉन्जुगेट लो, ये बराबर है कि पहले आप z1 का लो फिर आप z2 का लो, उनको आपस में डिवाइड कर दो। ये दो बातें जिसको आपने प्रूफ करना है कि अगर इक्वल है नहीं इक्वल। सवाल में z1 z2 मेंशन है, 3 - 2i, 2 + 3i, z1 गिवन है 3 - 2i और z2 गिवन है 2 + 3i। अब जरा आ जाओ प्रूफ स्टार्ट करते हैं। अब प्रूफ किस तरीके से करोगे, यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड अलग अलग करके कर लो, एक साथ भी कर सकते हो लेकिन अब ज्यादा फिजिबल ये है। तो ये क्या है, z1 और z2 को आपने डिवाइड करना है और कॉन्जुगेट लेना है। करो 3 - 2i डिवाइडेड बाय 2 + 3i, ये आपने डिवाइड करना है, जो रिजल्ट है उसका कॉन्जुगेट लेना है। तो डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने का तरीका क्या बताया था मैंने बच्चों, याद है सबको? रेशनलाइजेशन करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं, इसको रेशनलाइजेशन बोलेंगे? नहीं, इसको रेशनलाइजेशन नहीं बोलेंगे, वैसे करेक्ट जुमला नहीं है, वैसे मैं समझ गया जो आप कहना चाह रहे हो। रेशनलाइजेशन वहां पे होता है जब आपके पास कोई इरेशनल नंबर हो डिनोमिनेटर के अंदर, तो आप उसको रैशनल बनाते हो मल्टीप्लाई डिवाइड करके। ये कोई इरेशनल नंबर नहीं है जिसको आप रैशनलाइज करो, रैशनल बना दो इसको, तो बोल सकते हो रैशनलाइजेशन के यार मैंने रैशनल बनाया, लेकिन जो प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट होता है वो यही है कि इरेशनल को अगर आप रैशनल बनाओ, नॉर्मली अगर डिनोमिनेटर में रूट 2 आ रहा है तो आप रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, तो जो इरेशनल डिनोमिनेटर था उसको आपने रैशनल बना दिया। इसको आप इस तरह समझो कि मैंने बताया था कि मकसद आपका आयोटा हटाना था। अब आयोटा हटाओगे किस तरीके से, कि अगर आप इस पूरे का कॉन्जुगेट लो और उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दो, यहाँ पे ये हमारा मकसद है। तो बिल्कुल सही जवाब है, आप कॉन्जुगेट लेते हैं जरा डिनोमिनेटर का, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट क्या होगा, दरमियान में नेगेटिव लगा दो 2 - 3i, और उससे आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। अब देखो ऊपर तो आप नॉर्मल मल्टीप्लाई करो, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो 6, 3 को -3 से करो -9i, -2 को 2 से करो -4i, -2 - 3 ये हो जाएंगे 6i - i, और डिनोमिनेटर में आप क्या करोगे, वही कि जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर को आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अच्छा आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो -6 और 6 ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर तो खत्म, -9i - -4i ये हो जाएगा -13i, और नीचे क्या है 4 + 9 ये 13 है। मजीद सॉल्व करो 13 और ऊपर वाला 13 ये कैंसिल हो जाएंगे, जस्ट आपके पास क्या बचेगा -i जिसका आपको कॉन्जुगेट लेना है। तो -i अगर आपको एक टर्म नजर आ रही है, मैंने बताया था कॉन्जुगेट 2 टर्म का होता है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आप 2 टर्म बना सकते हो आसानी से, -i कैसे लिख सकते हो 0 - i, तो जब इसका आप कॉन्जुगेट लोगे तो 0 - i कॉन्जुगेट क्या आएगा +i, 0 + i सिंपल लैंग्वेज में, तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या आ रही है आयोटा आ रही है। अब आपने प्रूफ करना है कि राइट हैंड साइड भी आयोटा आ रही है, तभी बात प्रूफ होगी ना, तो जरा राइट हैंड साइड को पिक करते हैं। राइट हैंड साइड क्या है कि z1 का अलग कॉन्जुगेट लो फिर z2 का अलग लो और उनको आपस में डिवाइड करो, तो z1 है 3 - 2i इसका कॉन्जुगेट लो, डिवाइडेड बाय z2 है 2 + 3i इसका कॉन्जुगेट लो, तो 3 - 2i कॉन्जुगेट होगा 3 + 2i और इसका हो जाएगा 2 - 3i। जब ले लिया कॉन्जुगेट अब इनको डिवाइड करो, तो डिवाइड किस तरीके से करेंगे, वही डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लिया उससे मल्टीप्लाई डिवाइड, ये हो जाएगा 6 + 9i + 4i + 6i² और वही रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर जो है बच्चों ये -1 होता है, तो अगेन -6 और 6 ये तो खत्म हो जाएंगे, 9 + 4 = 13i,
और 2² + 3² = 13, 13 से 13 कैंसिल, राइट हैंड साइड आपकी क्या आ गई, सिर्फ आयोटा के बराबर। तो अगर आप ऑब्जर्व करो आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर है, तो आप लिख देना हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रॉपर्टी बच्चों आपकी हो गई प्रूफ। इस तरीके से आप प्रूफ करोगे जो मुश्किल वाली प्रॉपर्टीज है। ये 2 + 3 i, 2 - 3 i, a + b, a - b नहीं होंगे, square - b square इसकी बात कर रहे हो? या हाँ जी वही होगा, लेकिन अगर तुम वो फॉर्मूला लगाना चाहो लगा के देख लो, तुम्हें आइडिया हो जाएगा खुद ही। 2 - 3 i, 2 + 3 i, मैंने जो है ना इसको a - b, तो तुम कह रहे हो ना a - b, a + b, उसके फॉर्मूले से एक्सपेंड करने के बाद बताया था कि डायरेक्ट रिजल्ट क्या आएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अगर तुम इस तरह करना चाह रहे हो तो आओगे इसी पे तुम दोबारा, बस एक दो स्टेप एक्स्ट्रा लगेंगे लेकिन इसी पे आ जाओगे। फॉर्मूला क्या था, a - b, a + b, क्या फॉर्मूला था, a² - b² तो ये a है और ये b है, तो a का स्क्वायर करो 2² - b क्या है यहाँ पे 3 iota, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9 iota square। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 - -1 positive, 4 + 9 अगेन वही 13 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये जब सवाल तुमने पूछा तो अब तुम्हारे जहन में होना चाहिए, जब आप इस पे a² - b² वाली टेक्निक लगा रहे हो ना, तो b आपने ये पूरे ही लेना है, जो फॉर्मूला होता है ना a - b, a + b, उसमें फिर ये a होगा 2 और b क्या कहलाया जाएगा, 3 iota, मतलब आयोटा शामिल होगा। जबकि मैंने जो टेक्निक बताई हुई है ना वो डायरेक्ट आप लोगों को बताया था, क्या कि रियल पार्ट का स्क्वायर करो और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करो, इसमें आयोटा शामिल नहीं था, क्योंकि मुझे पता है ना यहाँ पे आयोटा हट रहा था ना, और रिजल्ट क्या आ रहा था, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, तो तभी मैंने क्या कहा था, रियल का स्क्वायर करो, इमेजिनरी का स्क्वायर करो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये वाली टेक्निक भी यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो, इसमें एक दो स्टेप एक्स्ट्रा लगेंगे, पहुंचोगे आप इसी चीज के ऊपर। सर ये जो 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 8 है, इसका आंसर ठीक नहीं आ रहा यार, आंसर में मिस्टेक हो सकती है, बुक में इन्होंने काफी मिस्टेक्स किए, लेकिन मैं फिर भी देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या, पार्ट 8, पार्ट 8 मैंने तो यार क्लास में करवाया था आई गेस, नहीं करवाया? नहीं सर, चलो मैं जल्दी से कंफर्म कर लेता हूँ। यार आंसर मेरा तो आयोटा आ रहा है, तुम्हारा क्या आ रहा है सर? माइनस आयोटा, वहां तक ठीक है सर आयोटा, लेकिन उसका जो कॉन्जुगेट है, ये कॉन्जुगेट तो नहीं देना ना। अच्छा फाइंड द कॉन्जुगेट, सही है सही है, हाँ कॉन्जुगेट लोगे तो माइनस आयोटा हो जाएगा, ठीक है हाँ। लेकिन बुक में आयोटा है, हाँ तो ये मिस्टेक है ना, सिंपल मैंने तुम्हारे सामने सॉल्व किया, बुक में मेरे ख्याल में Find the conjugate and absolute value of the following. हाँ, तो तुमने बिल्कुल सही किया, कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंपलीफाई किया, आयोटा आएगा, जब इसका कॉन्जुगेट लोगे तो माइनस आयोटा आएगा, बिल्कुल सही बात सर, मेरे सॉल्यूशन में तो मिस्टेक तो नहीं है ना, सही है यहाँ तक ठीक है सर। हाँ क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 2 भी वो भी नहीं हो रहा सॉल्व सर, 9 का पार्ट 2 सॉल्व भी नहीं हो रहा सर, उसका आंसर ठीक नहीं आ रहा, आई थिंक गलत है, स्क्वायर होगा, हाँ इस पे स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन अगर स्क्वायर नहीं है तो उसके बगैर भी आप सॉल्व कर सकते हो। इसमें बुक में आंसर क्या आ रहा है वैसे ये बताओ सर, बुक में आंसर है इसका, सर एक्स की दो वैल्यूज हैं, +3 - -3 और y +9, हाँ फिर उन्होंने मिस्टेक की हुई है वैसे, अगर इसका जो असल सवाल है ना पुरानी बुक में भी होता था, इसके ऊपर होल स्क्वायर था, बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर इस तरह भी आए तो आप सॉल्व कर सकते हो, इजी हो जाएगा लेकिन कर सकते हो। कैसे, इस तरफ आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल प्लस इमेजिनरी नंबर, और राइट हैंड साइड पे देखो तो जस्ट इमेजिनरी नंबर है, तो आप रियल को कह दो रियल जीरो है, ये सेंस बना रही है ना बात, तो फिर जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो एक्स बराबर होगा, मतलब इधर जो रियल है वो बराबर होगा उधर रियल के, एक्स हो जाएगा जीरो के बराबर, और थ्री जो है ये बराबर हो जाएगा 2y के बराबर, तो वाई की वैल्यू यहाँ से 3/2 आ जाएगी।
लेकिन बुक में जो आंसर लिखे हुए ना, वो एक स्टूडेंट ने सही कहा है, ये पुरानी बुक का सवाल था, बुक के ख्याल में आंसर इसके मुताबिक है, एक्स प्लस थ्री आयोटा का होल स्क्वायर ये होगा। तो बुक का आंसर चेंज हो सकते हैं, इन्होंने इस बुक में बहुत मिस्टेक किए हैं, मैं टीचर्स के ग्रुप में ऐड हूँ, बार बार बताते रहते हैं कि इस सवाल में मिस्टेक है, उसमें मिस्टेक है, तो उससे आपने घबराना नहीं है, मुझसे कंफर्म कर लेना, वेरीफाई कर लेना मुझसे, लेकिन ये समझ लो कि बुक में मिस्टेक काफी होंगी। तो सवाल को इस तरीके से कर लेना, इस तरीके से अगर आप करोगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू नहीं सिक्स हो जाएगा ना, सिक्स एक्स आयोटा प्लस नाइन आयोटा स्क्वायर, ठीक है, तो नाइन आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस वन, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस नाइन और ये हो जाएगा सिक्स एक्स आयोटा। अब अगर आप इक्वेट करवाओगे तो एक्स स्क्वायर माइनस नाइन जीरो के बराबर होगा, तो वहां से एक्स की वैल्यू निकालोगे प्लस माइनस थ्री आ जाएगी, और ये जो सिक्स एक्स है ये बराबर होगा टू वाई के, मतलब ये इक्वेशन बन रही होगी, सिक्स एक्स इज इक्वल टू टू वाई, वाई किसके बराबर होगा टू, कैंसिल करो वाई बराबर हो जाएगा थ्री एक्स के, तो जो एक्स की दो वैल्यूज आई है वो आप यहाँ पे पुट कर देना, एक्स की वैल्यू जब थ्री पुट करोगे तो आंसर आएगा नाइन, जब एक्स की वैल्यू माइनस थ्री पुट करोगे तो आंसर आएगा माइनस नाइन, तो एक्स का आंसर होगा प्लस माइनस थ्री, वाई का आंसर होगा प्लस माइनस। देखो क्वेश्चन नंबर सेवन पे आ जाओ, लिखा हुआ है जेड वन जेड टू आपको गिवन है, देन एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा बी, आपको इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, मतलब आपको इस कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंप्लीफाई करना, सिंपल, तो कोई मुश्किल बात नहीं है, जरा अगर आप पार्ट को समझ जाओ तो बात इजी हो जाएगी। पार्ट वन में लिखा हुआ है जेड वन को मल्टीप्लाई करना है जेड टू के कॉन्जुगेट से और उसको डिवाइड करना है जेड वन के कॉन्जुगेट से, हो जाएगा आसानी से। पार्ट नंबर टू में लिखा हुआ है जेड वन के कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करो जेड टू से और डिवाइड करो जेड टू के कॉन्जुगेट से, ये भी हो जाएगा। मैं पार्ट नंबर थ्री थोड़ा आइडिया आपको दे देता हूँ, पार्ट नंबर थ्री के लिए आपको जेड वन जेड टू पता होना चाहिए, थ्री माइनस टू आयोटा और जेड टू है टू माइनस थ्री आयोटा, और आपको सिंप्लीफाई क्या करना है, जेड वन जेड टू कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय जेड वन, ये आपको करना है। तो अब आपकी अगेन वही मर्जी, या तो आपकी मर्जी ये है कि आप वैल्यूज पुट करो और यहाँ पे ही सिंप्लीफाई करते जाओ करते जाओ, या आपके पास सिंपल हल ये है कि पहले आप न्यूमरेटर को अलग से कैलकुलेट कर लो, जब वो आ जाए उसके बाद फिर आप आपस में डिवाइड कर लेना। तो कहने का मतलब ये जो पूरा न्यूमरेटर है ना, ये आप पहले कैलकुलेट कर लो कि Z1, Z2 का कॉन्जुगेट, ये कैलकुलेट हम कैसे करेंगे, सिंपल आप पहले Z1, Z2 कैलकुलेट कर लो फिर कॉन्जुगेट ले लेंगे उसका, Z1 है 3 माइनस 2 आयोटा, Z2 है 2 माइनस 3 आयोटा। अब देखो ये लास्ट दफा जब मैंने करवाया था तो मैंने वो जो अभी पिछला सवाल था मैंने सब वैल्यूज पुट की थी और वहीं पे सब सॉल्व करवा रहा था मैं, तो डिफरेंट मेथड होते हैं आपकी जो मर्जी जिस तरीके से आपने करना है कर लो। अब मैं पहले Z1, Z2 और इनको निकाल लूं फिर पुट करूंगा, तो ये हो जाएगा सिक्स माइनस नाइन आयोटा माइनस फोर आयोटा प्लस सिक्स आयोटा स्क्वायर, अगेन सिक्स आयोटा स्क्वायर और सिक्स से कैंसिल हो जाएंगे, रिजल्ट आएगा माइनस थर्टीन आयोटा। तो ये आपके पास आया है जेड वन जेड टू, अब आपको इसका कॉन्जुगेट निकालना है तो आप कॉन्जुगेट निकालते हैं, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा थर्टीन आयोटा। जब ये आ जाए ना, अब आप जरा इसमें पुट करके सॉल्व करो, तो आपको सॉल्व क्या करना था, जेड वन जेड टू का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय जेड वन, Z1, Z2 का कॉन्जुगेट है 13 आयोटा और Z1 क्या है 3 माइनस 2 आयोटा, अगेन डिवाइड करना है आपको, तो क्या करोगे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, 13 आयोटा को 3 से करो ये हो जाएगा 39 आयोटा, 13 आयोटा को इससे करो ये हो जाएगा 26 आयोटा स्क्वायर, नीचे तो वही रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है तो ये हो जाएगा माइनस 26 प्लस 39 आयोटा और ये हो जाएगा 13। तो जब सिंप्लीफाई करोगे आप बिल्कुल तो आप एलसीएम ब्रेक कर देना, तो ये हो जाएगा माइनस 26 अपॉन 13 प्लस 39 अपॉन 13 आयोटा, तो ये हो जाएगा माइनस 2 ये हो जाएगा 3 आयोटा। तो जो आपके पास एक्सप्रेशन लिखी हुई थी ना जेड वन जेड टू कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय जेड वन, ये बराबर है माइनस 2 प्लस 3 आयोटा के, इस तरह आपने सिंप्लीफाई करके एंड पे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अच्छा जी लिखा हुआ ऑल्सो वेरीफाई ट्राइंगल इनइक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अच्छा यहाँ पे एक और चीज बोली हुई कि आप ट्राइंगल इनइक्वालिटी भी वेरीफाई कर लो। अब वो कैसे वेरीफाई करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपको जेड वन जेड टू जेड थ्री दिया हुआ है ना, ट्राइंगल इनइक्वालिटी में अगर आप ऑब्जर्व करो तो एक होता था जेड वन का मॉडुलस, मतलब जेड वन का मॉडुलस चाहिए आपको, एक जेड टू का मॉडुलस आपको चाहिए,
इसी तरीके से आपको जेड वन प्लस जेड टू चाहिए, जेड वन प्लस जेड टू निकालोगे, फिर आप उसका मॉडुलस निकालोगे। तो तकरीबन चार चीजें आपको कैलकुलेट करनी है, मैं बारी बारी बता देता हूँ। मैं एंड पे चलो मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि वो ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या है। ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी है, तो अगर आप ऑब्जर्व करो इसमें चार चीजें हैं, z1 का मॉडुलस, z2 का मॉडुलस, z1 प्लस z2 का मॉडुलस, तीन चीजें कह लो चलो। तो तीन चीजें जब आप कैलकुलेट कर लोगे उसके बाद यहाँ पे पुट करके इस ट्रायंगल इनइक्वालिटी को वेरीफाई कर लेना। तो यहाँ पे आप एक काम करो, पहले क्या निकालो, z1 प्लस z2 निकाल लेते हैं हम, इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करो, 3 माइनस 2 आयोटा प्लस 2 माइनस 3 आयोटा, तो 3 प्लस 2 ये हो जाएगा 5, माइनस 2 माइनस 3 ये हो जाएगा माइनस 5 आयोटा। तो z1 प्लस z2 आपके पास आ गया। अब आपको क्या करना है, z1 प्लस z2 का मॉडुलस निकालना है, तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 25 प्लस 25 ये हो जाएगा 50 को परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो मजे सिंपलीफाई आप नहीं कर सकते। फिर आपको निकालना है z1 का मॉडुलस क्या होगा, 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 9 प्लस 4 क्या होता है 13। z2 का निकालो, अगेन 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, अगेन आपके पास रूट 13 आ जाएगा। तो चार चीजें निकाल लो, तो अब आप कर सकते हो, लिख दो ट्राइंगल इनइक्वालिटी, ये आपके पास ट्राइंगल इनइक्वालिटी है जो आपने नीचे मेंशन कर दी है। अब जरा इसको हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ कैसे करोगे, z1 का मॉडुलस क्या है यहाँ पे रूट 13 माइनस z2 का मॉडुलस क्या है वो भी रूट 13 है, लेस देन और इक्वल टू z1 प्लस z2 का मॉडुलस क्या है रूट 50। अच्छा, अगेन z1 का मॉडुलस प्लस z1 का मॉडुलस z2 का, तो अगर आप ऑब्जर्व करो ये तो जीरो के बराबर हो जाएगा। और अगर आप अब देखो इसको, एक तो तरीका है कैलकुलेटर से वेरीफाई करने का, बल्कि कैलकुलेटर से वैल्यूज निकाल लेना। मेरे पास अभी कैलकुलेटर नहीं है तो मुझे नहीं पता रूट 50 की वैल्यू क्या है, लेकिन मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। वो आइडिया क्या है, 49 का रूट जो है आपको पता है 7 के बराबर होता है। 49 का रूट जो है आपको पता है कि ऑलमोस्ट मतलब 49 का रूट 7 के बराबर होता है, तो रूट 50 क्या होगा, रूट 50 7.0 समथिंग कुछ आ रहा होगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी ना कैलकुलेटर से वेरीफाई कर लेना, 7.0 कुछ समथिंग आपके पास वैल्यू आ रही होगी, 7.07 सर, 7.07। हाँ ठीक है। अब यहाँ पे अभी मुझे बताना नहीं है लेकिन मैं गेस करके आप लोगों को बताता हूँ कि रूट 9 जो है वो 3 के बराबर होता है और रूट 16 जो है वो 4 के बराबर होता है। अब रूट 13 रूट 16 के करीब ज्यादा है तो इसका मतलब उसकी वैल्यू 3.6 के अराउंड होगी, मतलब 3.5 से ग्रेटर होगी, इतना मैं आपको बता सकता हूँ। 3.59 समथिंग 3.6 होगी, क्या है 3.6 कंप्लीट 3.6 है या कुछ पॉइंट में और वैल्यू है 3.605। तो 3.605 और 3.605 जब आप इनको ऐड करोगे ना तो आपका रिजल्ट 7.1 समथिंग कुछ आ रहा होगा। तो एक प्रूफ तो होगी खैर, लेकिन वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कैलकुलेटर ना हो तो आप स्क्वायर रूट को आसानी से एस्टिमेट कर सकते हो, आइडिया लगा सकते हो कि इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट क्या होगी। जैसे बिलफर्ज आपके पास कोई मुश्किल सा आ जाए रूट 122, अब देखने में तो आपको लगेगा स्क्वायर रूट ऑफ 122 मैं कैसे बताऊं क्या होगा, लेकिन आप स्मार्ट होने चाहिए। कोई स्टूडेंट बता सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 122 क्या होगा, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लोगे तुम लोग खैर, लेकिन स्क्वायर रूट 121 जो है आपको पता है 11 के बराबर होता है, मतलब 121 का जब आप स्क्वायर रूट निकालते हो तो 11 आता है, तो 122 का स्क्वायर रूट निकालोगे 11.0 समथिंग ही कुछ आएगा ना, आसानी से एस्टिमेट कर लिया आपने। बहरहाल यहां पे प्रूव हो गया, ये इनइक्वालिटी प्रूव है कैसे कि जीरो जो है वो लेस होता है 7.07 से डेफिनेटली, इसी तरह 7.07 लेस है 7.1 से। तो यहाँ पे अच्छा ये जो इनइक्वालिटी होती है ना लेस देन और इक्वल टू, इसमें से कोई एक बात भी सेटिस्फाई हो जाए तो बात ठीक होती है, मतलब या तो वो नंबर लेस हो या वो नंबर इक्वल हो, दोनों केसेस में बात सही है। फॉर एग्जाम्पल 0 इज लेस देन 2, ये वाली स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है और ये वाली भी ठीक है, एक ही बात है, 2 लेस नहीं है 2 के लेकिन 2 बराबर तो है ना 2 के, तो ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक मानी जाएगी। इसी तरह 0 बराबर नहीं है 2 के लेकिन 0 लेस तो है ना 2 से, तो तब भी स्टेटमेंट मानी जाएगी, तो दोनों मानी जाती है। तो अगर ऑब्जर्व करो तो आपके पास ट्राइंगल इनक्वालिटी वेरीफाई हो रही है, वेरीफाई होने का मतलब
कि ये पूरी चीज लेस हो इससे और ये पूरी चीज लेस हो इससे, तो ये वेरीफाई हो गया, नीचे लिख देना वेरीफाइड, दैट्स इट। अच्छा, अब जो एक टॉपिक आप लोगों की एक्सरसाइज 1.2 से पहले था जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया नहीं था, क्योंकि वो टॉपिक समझाने वाला नहीं था, बस सॉल्यूशन ही हो रहा था उसके अंदर, वो ये है कि कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर की आपके पास नेगेटिव पावर्स आती हैं और आपको बोला जाता है कि इसको सिंप्लीफाई करो। जैसे मैक्सिमम -2 ही गिवन है, इससे बड़ी पावर गिवन नहीं है। जैसे पार्ट नंबर 1 में देखो, मैं आप लोगों को आइडिया दे देता हूँ क्या करना होता है इनमें। पार्ट 1 में देखो लिखा हुआ है √2 + i की होल पावर -2, आपको इसको कैलकुलेट करना है। तो सिंपल तरीका क्या है कि आप इसको नीचे ले जाओ और डिनोमिनेटर में जाके इसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ये तो आपको अलजेब्रा का रूल पता ही होगा ना, ऊपर लेके जाते हो तो पावर नेगेटिव, नीचे लेकर आ जाओगे तो पॉजिटिव। मतलब पावर नेगेटिव नहीं, मतलब नेगेटिव लगाना होता है आपने, अगर ऊपर से नीचे लेके जाओ या नीचे से ऊपर लेके जाओ नेगेटिव आपको लगाना पड़ता है। तो अगर ये ऊपर नेगेटिव है, नीचे आके क्या है, पॉजिटिव। तो अब आपने बेसिकली इस कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंप्लीफाई करना है। क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है? 1/√2 + i² होल स्क्वायर। तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप इस होल स्क्वायर को सिंप्लीफाई करना, तीन टर्म्स आ रही होंगी, तीन टर्म से आप दो में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि जो आयोटा स्क्वायर वाली टर्म होती है वो रियली होती है ना। तो सिंप्लीफाई करोगे रियल प्लस इमेजनरी, मतलब दो टर्म आपके पास आ रही होंगे। तो सिंपल आपको फिर डिवाइड करना होगा, और डिवाइड करने का आपको तरीका पता है, जो नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा होगा ना उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना, ठीक है। जो पार्ट नंबर 2 है वो तो बहुत ईजी है, नीचे लेके जाओगे तो हो जाएगा 1 - √5 i होल पावर 1 होगी, अगर नीचे लेके जाओगे 1 पावर लिखो ना लिखो बात एक ही है। तो इसमें तो डायरेक्ट ही आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे। मतलब बेसिकली सवाल में आपका मकसद वही है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंप्लीफाई करना है, कि रियल अलग हो इमेजनरी अलग हो, यही काम करोगे। पार्ट नंबर 3 जो है वो भी इसी टाइप का है, पार्ट नंबर 4 जो है वो इस टाइप का है। लेकिन पार्ट 4 में ना कॉम्प्लेक्स नंबर को सही फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, पार्ट नंबर 4 में इस तरह लिखा हुआ 2 i - √3 ये लिखा हुआ। तो बच्चे सॉल्व भी इसी तरह करेंगे, वो क्या करेंगे, इसको नीचे लेके जाएंगे ये हो जाएगा, फिर पता है वो क्या करेंगे, वो इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे इससे 2 i + √3 से, इस तरह करेंगे। और इस तरह करने का नुकसान तो ऐसे कुछ नहीं है, मतलब आप कॉन्जुगेट इस तरह भी ले सकते हो, लेकिन ये कॉन्जुगेट माना नहीं जाएगा, सिंप्लीफिकेशन आपकी आई गेस ठीक ही होंगी, सही वैल्यूज ही आ रही होंगी, लेकिन ठीक माना नहीं जाएगा, क्योंकि कॉन्जुगेट मैंने क्या बताया था, कॉन्जुगेट में आप इमेजनरी नंबर का साइन चेंज करते हो। तो यहाँ पे हमें आ जाता है दरमियान का चेंज करने की, तो आप दरमियान का चेंज करोगे, बेसिकली रियल का आपने चेंज किया है, तो ये इसका कॉन्जुगेट कहलाया तो नहीं जाएगा, लेकिन सिंप्लीफिकेशन ठीक हो जाएगी। अगर आप ऑब्जर्व करो तो सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे ठीक हो जाएगी, 2 i² को 2 से करो ये हो जाएगा 4 i² स्क्वायर, 2 i² करो और -2 को इससे करो ये तो कैंसिल हो जाएंगे और ये हो जाएगा -3। तो सॉल्व करो -4 - 3 आंसर आ रहा है -7 के बराबर, और ऊपर आ जाएगा 2 i + √3 / -7। तो एक तरीका तो इन सवालों को सॉल्व करने का ये होगा। ठीक है, दूसरे तरीका हम करते हैं, जरा देखते हैं क्या उससे बात सेटिस्फाई हो रही है। इसको अगर हम -√3 + 2 i करें, एक मिनट मुझे वेरीफाई करने दो, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ। नॉर्मल जिस तरह हम करते हैं उसे ही आंसर आ रहा है, तो आंसर सेम ही है आपके। क्यों? अगर आप ऑब्जर्व करो, ये जो माइनस है अगर आप इसको ऊपर से मल्टीप्लाई करवा दो तो ये चीज आ रही है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसको इस फॉर्म में भी रहने देते हो कि पहले इमेजनरी रखो फिर रियल रखो, और आपके नजदीक जो आप कॉन्जुगेट ले रहे हो, जो कि कॉन्जुगेट कहलाया नहीं जाएगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है, इसको आपको स्क्वायर करना, मतलब इमेजनरी नंबर को साइन चेंज करना होता है, तो आपने कॉन्जुगेट लिया नहीं है, लेकिन ये वाला मेथड भी आपको आंसर सही दे देगा। ठीक है, लेकिन अपनी हैबिट ये बना दो, जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड सवाल आए तो आपने क्या करना है, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है कि पहले रियल फिर इमेजनरी, और जब आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो फिर वही करना जो प्रॉपर स्टेप्स मैंने बताए हैं, डिनोमिनेटर में लेके जाना, सॉल्व करना, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, और कौन कौन से पार्ट हैं? पार्ट नंबर 4 मैंने आप लोगों को बता दिया, पार्ट नंबर 5 जो है, पार्ट नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, 1/4 i - 5 की होल पावर -1 ये लिखा हुआ। तो देखो, जब आपके फ्रैक्शन के ऊपर कोई नेगेटिव पावर हो ना और उस नेगेटिव पावर को आप पॉजिटिव करना चाह रहे हो, फॉर एग्जाम्पल 1/4 i - 5 के ऊपर ये पावर है -1,
तो आप क्या करो, इस फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर दो तो पावर आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। मतलब अगर आप इस फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर दो, इस तरह लिखो 4i - 5/1, तो अब पावर जो है ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी। तो अगर आपने अंदर फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल किया, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। मतलब सिंपल लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट यही है कि जो माइनस वन है ये दोनों के ऊपर पावर है ना। कंसिडर कर लो, ये जो वन के ऊपर भी पावर माइनस वन है और 4i - 5 के ऊपर भी पावर माइनस वन है। तो अगर आप इसको ऊपर लेके जाओगे इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, वन को नीचे लेकर आओगे इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये सिचुएशन बन जाएगी, दोनों की पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट होता है। तो इसको आप सिंप्लीफाई कैसे करना, रेसिप्रोकल करना, ये हो जाएगा। वंस अगर ये हो जाए तो अब सिंपल आपके पास सवाल है 4i - 5 जो सिंप्लीफाइड है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। 4i - 5 की होल पावर 1 है, कोई मसला ही नहीं है। होल पावर 1 क्या होती है, मतलब लिखो ना लिखो बात एक ही है। तो आपके पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। तो कुछ सिंप्लीफाई करने की आपको यहाँ पे जरूरत नहीं है। क्या आप इतनी मेहनत करके पता नहीं क्या इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, वो बेवकूफी मानी जाएगी। ठीक है, ये इसका सिंपल आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, इसी तरह पार्ट नंबर 6 और पार्ट नंबर 7 है, इसमें से मैं एक करवा देता हूँ कि आपको आइडिया हो जाए थोड़ा। पार्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर, फॉर एग्जांपल हम कोई भी कर लो, एक ही किस्म के सवाल है। पार्ट नंबर 7 चलो कर लेते हैं। लिखा हुआ 3i - 2/2 - 3i की होल पावर माइनस टू। सबसे पहली बात तो देखो, पहले कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है भी या नहीं। तो न्यूमिरेटर में देखो अजीब सा ही लिखा हुआ है। तो पहले तो मैं क्या करता हूँ, ये न्यूमिरेटर वाले को थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ। सिंप्लीफाई इन द सेंस के अरेंज करता हूँ बस। तो अभी मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जस्ट 3i - 2 को क्या लिखा है, -2 + 3i के। जो -2 रियल को पहले लिखा और जो इमेजिनरी है उसको मैंने बाद में लिखा। अब आप क्या करो, वही मैंने बताया कि पावर नेगेटिव है ना, तो आप क्या करो इसकी पॉजिटिव कर दो पावर। मतलब आप इसको रेसिप्रोकल कर दो। तो जो -2 + 3i - 2 - 3i आप रेसिप्रोकल कर दो, तो 2 - 3i ऊपर आ जाएगा और -2 + 3i नीचे चला जाएगा और अब इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो अगर आपने रेसिप्रोकल किया तो पावर आपकी पॉजिटिव। अब आपने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के आपकी मर्जी किस तरह सॉल्व करो। पहले आप ब्रैकेट के अंदर कॉन्जुगेट ले लो, इस तरह सॉल्व कर लो, ठीक है। और जो आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आए उसका आप स्क्वायर कर लो, एक तो तरीका ये है। दूसरा ये कि आप स्क्वायर, पहले न्यूमरेटर का स्क्वायर करो अलग, फिर डिनोमिनेटर का स्क्वायर करो अलग, फिर उनको डिवाइड करो, ये भी कर सकते हो। लेकिन मुझे पहला वाला तरीका ज्यादा इजी लगता है, तो हम जरा उसी पे जाते हैं। हम एक काम करते हैं, पहले स्क्वायर के अंदर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना उसको सिंप्लीफाई करते हैं। और कैसे सिंप्लीफाई करोगे, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। ये सब काम हम स्क्वायर के अंदर कर रहे हैं। 2 - 3i को से मल्टीप्लाई करो, 2 को -2 से करो -4, 2 को -3 से करो -6i, -3i से करो +6i। अच्छा जी, और -3i से करो +9i². डिनोमिनेटर में क्या है, अगेन कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो, तो सिंपल रियल पार्ट का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर 9। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो ये हो जाएगा -9, -9 - 4 - 13, -6, सॉरी ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो 4 + 9 = 13। तो बड़ा इजी हो गया, 13 को 13 से कैंसिल करो, -1, -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 के बराबर। तो ये आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। सवाल था 3i - 2/2 - 3i की होल पावर -2, जिसका आंसर क्या आ गया है, 1 के बराबर। अच्छा, मैंने बुक में आंसर देखे इनके, आंसर में ना उन्होंने वैसे बोला हुआ तो नहीं है, मेरे ख्याल में सवाल में बोला तो नहीं था ना ऑल्सो। अच्छा, फाइंड द रियल इमेजनरी पार्ट, सही है, सवाल में बोला था फाइंड द रियल एंड इमेजनरी पार्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग एनी मेथड। तो अच्छा, एनी मेथड का मतलब बुक में ना उन्होंने मेथड दिए हुए, मेथड इन द सेंस कि जो काम मैं कर रहा हूँ ना कि रेसिप्रोकल कर रहा हूँ, इन्होंने जनरलाइज कंसिडर किया x + y इस तरह करके जनरलाइज कंसिडर किया। सॉल्व करने के बाद इन्होंने क्या किया, जनरलाइज ही करके रियल, और मतलब ये समझ लो कि इन्होंने जनरलाइज काम किया सारा। काम करने के बाद एंड पे जो सिंप्लीफाई हुआ है ना, तो रियल और इमेजिनरी उनके एज आ फॉर्मूले आ गए, क्योंकि जब आप जनरलाइज काम करते हो तो आपके पास एंड पे फॉर्मूले बन रहे होते हैं। तो रियल पार्ट का फॉर्मूला बन गया, इमेजिनरी पार्ट का फॉर्मूला बन गया। तो अब बिलफर्ज अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है कि अगर पावर -2 है
तो पावर माइनस टू के हिसाब से उन्होंने फॉर्मूला बनाया हुआ होगा अपनी तरफ से, तो उसमें आप देखना कि रियल पार्ट का एक फॉर्मूला लिखा होगा, एक इमेजनरी पार्ट का फॉर्मूला लिखा होगा। तो चाहो तो आप डायरेक्ट उन फॉर्मूलों में वैल्यू पुट करके अलग अलग रियल और इमेजनरी निकाल सकते हो। एक मेथड ये है जो बुक वालों ने लिखा है। दूसरा मेथड ये कि आप कोई फॉर्मूला यूज ना करो, नॉर्मल टेक्निक यूज करो और फिर आप रियल और इमेजनरी पार्ट निकाल लो, आपकी मर्जी है। एंड पे बस, क्योंकि मैंने सवाल पढ़ा नहीं था, एंड पे आपको अलग अलग करना है। जैसे ये सवाल है ना, अभी इसका आंसर नहीं है, एंड पे आपको लाजमी मेंशन करना पड़ेगा कि रियल पार्ट, इसको जेड कह देना ना, तो रियल पार्ट इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है, 1, और इमेजनरी पार्ट इसका 0 है। तो इसी तरह जितने सवाल हैं, जब सवाल में आपको बोला जाए ना कि रियल और इमेजनरी मालूम करो, तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर आए उसके बाद आपने रियल और इमेजनरी अलग अलग उनको बताने होंगे कि ये रियल है, ये इमेजनरी है।